जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा, आज का जो वीडियो होगा, वह होगा कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का महीना कैसा रहेगा, बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, स्वास्थ्य की और कार्य क्षेत्र की, व्यापार की, शिक्षा की, और वीडियो के अंतिम में सुंदर और सटीक सा उपाय भी आपको बताएंगे जिस उपाय को करके आप इस महीने को आनंददायी बना सके। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का यह महीना कैसा रहेगा। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आपकी कुंडली में आज का जो हमारा यह कार्यक्रम है यह चंद्र कुंडली से यानी कि कन्या लग्न की कुंडली से आधारित होगा। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से कन्या राशि के जातकों के लिए राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, केतु जो है अष्टम भाव में मौजूद होंगे, अगस्त के महीने की यह दशा रहेगी। इसके कारण जो है कन्या राशि के जातकों को इस महीने अपने प्रेम संबंधों में मिले जुले नतीजे मिलने की संभावना दिख रही है। आपकी कुंडली के छठे भाव में जो है शनि महाराज मौजूद होंगे, जिसके कारण आपके करियर में सफलता का अनुपात जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ेगा। आप इस वक्त में जो है काम पे ज्यादा फोकस देंगे, इस अगस्त के महीने में आप जो है कन्या राशि के जातक काम में ज्यादा फोकस रखेंगे। शनि जो है इस वक्त जो है वक्री अवस्था में रहेंगे और इस कारण जो है कन्या राशि के जातकों के द्वारा किए जाने वाले कामों में आपको जो है देरी की स्थिति हो सकती है। जो आपके कार्य कर रहे हैं उसके फल में थोड़ा सा आपको लिए देरी हो सकती है, यानी कि आप कार्यों को देरी से भी करेंगे और आपके कामों में आपको फल थोड़ा सा देर में मिलेगा। शुक्र जो है प्रेम के ग्रह हैं और ये जो है आपकी कुंडली में 11वें भाव में अगस्त के महीने में मौजूद रहेंगे और वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे। वहीं शुक्र महाराज 8 अगस्त 2023 को अस्त हो रहे हैं और 18 अगस्त को फिर से दोबारा जो है उदय हो रहे हैं। बुध महाराज 24 अगस्त 2023 को बकरी हो रहे हैं। तो ग्रहों के इस दिशा के कारण कन्या राशि के जातकों का आर्थिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहेगा। इस वक्त में आपको ज्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है। वहीं 18 अगस्त 2023 तक कन्या राशि के जातकों को लव लाइफ और निजी जीवन में जो है उतार चढ़ाव आपका भरा जीवन आपका इस महीने रहने वाला है। बृहस्पति और राहु जो है एक साथ 8वें भाव में मौजूद रहेंगे, इस कारण कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी अगस्त के महीने में। बृहस्पति की दशा के कारण कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती है। 8वें भाव में बृहस्पति के होने से इस महीने जो है कन्या राशि के जातकों के लिए आपके लिए किसी तरह का विस्तार कारगर साबित हो सकता है। इस महीने जो है कोई भी कार्य आप विस्तार पूर्वक करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, परंतु आपको जो है योजनाबद्ध व कार्य करने हैं। साथ ही साथ यह महीना नई चीजों के लिए भी अनुकूल नहीं रहेगा, नई चीजें अगर आप करते हैं उसके लिए यह महीना अनुकूल नहीं है। वहीं इसके अलावा शनि के छठे भाव में होने से कन्या राशि के जातकों को करियर के लिहाज से कई सारे नए अवसर मिलने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। इससे आपको एक संतुष्टि का भाव जरूर महसूस होगा, आपको जो है इस महीने संतुष्टि जरूर रहेगी। 8वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से जो है कन्या राशि के जातकों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और उससे बढ़ाने की प्रवृत्ति आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा विरासत के माध्यम से भी आपको धन लाभ प्राप्ति के योग दिख रहे हैं और आप अच्छे ढंग से जो है धन कमाने में सफल भी इस महीने रहेंगे।
अगस्त का यह महीना कैसा रहेगा आपके लिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र आपका कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए, तो करियर के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है करियर के लिहाज से मिले जुले परिणाम आपको इस महीने मिलेंगे। और इस राशि कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आठवें भाव में मौजूद है, वहीं शुक्र ग्यारहवें भाव में मौजूद है, तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से कुछ शुभ संकेत देने वाला दिख रहा है। छठवें भाव में शनि की शनि महाराज मौजूद हैं और इसके प्रभाव से जातकों के अंदर अपने काम को लेकर ज्यादा प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन का उत्साह विकसित होता हुआ दिख रहा है और ये आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बिजनेस करने वाले जातकों पर भी ये बातें पूरी तरह से लागू होते हैं, जो बिजनेस करते हैं उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होते हुए दिख रहे हैं। शनि महाराज जो है वह बकरी अवस्था में है और छठवें भाव में मौजूद हैं और इनके प्रभाव से शनि महाराज के प्रभाव से कन्या राशि के जातकों को करियर में मिलने वाले फायदे मध्यम रहने वाले हैं, मध्यम रहने की संभावना दिख रही है। इस महीने अगस्त के महीने 15 तारीख के बाद पहले भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण कन्या राशि के जातकों को करियर में मिलने वाले विकास में बाधा आने के संकेत दिख रहे हैं। आपको करियर में जो विकास मिलना है उसमें कुछ बाधाएं आते हुए दिख रही हैं। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में होने के कारण कन्या राशि के जातकों को नौकरी पेशा, जो नौकरी पेशा करने वाले जातक हैं, तो नौकरी में दबाव और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको काम के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों का सफल होने के लिए सभी कामों को, अगर आपको इस महीने अगस्त के महीने में सफल होना है तो सभी कामों को पूरी प्लानिंग के दौरान प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना है तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में राहु आठवें भाव में मौजूद हैं और केतु जो हैं वे दूसरे भाव में मौजूद हैं, तो इसी के कारण आपको नौकरी में अपने सीनियर, जो आपके सीनियर हैं, उनसे आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, तो बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने जो है मिलने वाले धन लाभ की ज्यादा प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि धन लाभ आपको ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपके बिजनेस के विस्तार की गुंजाइश, जो गुंजाइश है वह मध्यम रहे। इसके अलावा इस महीने किसी तरह की साझेदारी में शामिल होना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर आप साझेदारी में कहीं शामिल होते हैं, साझेदारी के कार्य करते हैं, तो वह आपके लिए फायदेमंद नहीं होता हुआ दिख रहा है। और कन्या राशि के जातकों को अपने प्रतिस्पर्धियों से जो है कड़ी टक्कर भी मिल सकती है, कड़ी चुनौतियां भी आपको मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, तो कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी अगस्त के महीने में, तो राहु और बृहस्पति एक साथ जो है अष्टम भाव में मौजूद हैं, तो इसके प्रभाव से कन्या राशि के जातकों को इस महीने ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र जो है प्रेम के ग्रह हैं, ग्यारहवें भाव में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे, तो शुक्र महाराज जो हैं 8 अगस्त को उदय, 8 अगस्त को अस्त हो रहे हैं, 18 अगस्त को दोबारा से उदय होंगे, तो इन ग्रहों की दशा जो है अवांछित वादों के कारण अधिक खर्चों को दर्शाता है। आपके जो है अधिक खर्चे इस महीने होते हुए दिख रहे हैं। शुक्र की स्थिति के कारण पैसों की हानि का कारण हो सकता है। शुक्र की स्थिति से आपको धन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। संकेत है कि कन्या राशि के जातकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस महीने कोई बड़ा लोन लेने की भी जरूरत पड़ सकती है और ये आपके परेशानी का कारण भी बाद में बन सकता है। तो कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा धन संबंधित आपको सावधान रहना होगा। आपके कुंडली में बृहस्पति महाराज जो हैं वह अष्टम भाव में मौजूद होंगे, तो इसके कारण कन्या राशि के जातकों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में आप जो है इस महीने नाकाम रहेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। संकेत यह भी है कि कन्या राशि के जातकों को किसी तरह का लोन न लेना पड़े। बृहस्पति के प्रभाव के कारण जो है कन्या राशि के जातकों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने कार्यों को पूर्ण करने में आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जो जातक बिजनेस में हैं, उनके लिए यह महीना ज्यादा लाभकारी साबित होता हुआ
नहीं दिख रहा है, उम्मीद से परे आपके साथ होगा। जितनी आपने उम्मीद रखी थी उस प्रकार से लाभ आपको इस महीने नहीं होगा। चाहे आप किसी अलग तरह से बिजनेस में भी हो, इस महीने ज्यादा लाभ के योग आपके लिए नहीं दिख रहे हैं, आपको जो है लाभ की प्राप्ति नहीं होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ इस महीने आप जो है अपनी प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपसे मुकाबला करेंगे परंतु आप उनके मुकाबले के काबिल भी नहीं रहेंगे, यानी कि प्रतिद्वंदियों से मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगस्त 2023 में, जो मुख्य बिंदु है। तो अगस्त 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य जो है इस महीने मध्यम रहने की संभावना दिख रही है। लाभकारी जो ग्रह बृहस्पति हैं वह अष्टम भाव में है, तो इसके कारण आपको पाचन संबंधित, सिर दर्द संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इसके अलावा राहु भी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे, तो राहु दूसरे भाव, राहु जो है अष्टम भाव में और केतु जो है द्वितीय भाव में मौजूद होंगे, तो जिसके कारण जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। संक्रमण, आंखों के संक्रमण की परेशानी भी इस महीने हो सकती है। दूसरे भाव में केतु होने के कारण आंखों में जलन की समस्या, पाचन संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। आठवें भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ मौजूद हैं, जिसके कारण कन्या राशि के जातकों को शरीर में ट्यूमर से संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, और इसके अलावा जो है कन्या राशि के जातकों को मोटापे से संबंधित दिक्कतें भी आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको जो है खान पीन पर नियंत्रण रखना होगा, व्यायाम आपको जरूर करना होगा। शनि महाराज आपकी कुंडली में छठे भाव में मौजूद हैं, तो इसके प्रभाव से कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। आप रोगों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण जरूर रहेंगे और आपको थोड़ा सा फिट रहने के लिए योगाभ्यास जरूर करना होगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है अगस्त का जो महीना है, इस महीने ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले नतीजे आपको नहीं मिलने वाले हैं। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में मौजूद हैं, राहु जो है वह अष्टम भाव में है, केतु द्वितीय भाव में मौजूद हैं, तो प्रेम का ग्रह शुक्र जो है वह भी ग्यारहवें भाव में बकरी अवस्था में मौजूद हैं, तो जिसके कारण ग्रहों की दशा के कारण कन्या राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में आकर्षण की कमी महसूस होते हुए दिख रही है। भावनात्मक मुद्दों के कारण आपका अपने साथी के साथ जो है किसी तरह का विवाद होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। शनि महाराज जो है आपकी कुंडली में छठवें भाव में मौजूद है, पांचवें भाव के स्वामी होके छठे भाव में विराजमान है, इसके कारण आप जो है अपने साथी के साथ धैर्य खो सकते हैं, और जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई है कन्या राशि के जातकों की, उन्हें विवाह के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। जिनका विवाह हो गया है तो विवाहित जातकों को अपने रिश्ते में संतुष्टि न मिलने की संभावना दिख रही है। इस महीने थोड़ा सा प्रेम संबंध में दिक्कतें या पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दिख रही हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का अगस्त 2023 में। तो अगस्त 2023 में कन्या राशि के जातकों का इस महीने परिवार में कुछ उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार में जो है उलझनों का सामना रह सकता है। परिवार के सदस्यों में अहंकार की परेशानी के कारण वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। इसका कारण होगा बृहस्पति का चौथे भाव के स्वामी के रूप में अष्टम भाव में मौजूद होना। तो बृहस्पति के कारण परिवार में थोड़ा सा जो है तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी के रूप में आठवें भाव में है, इसके कारण परिवार में जो है कड़वाहट आने के संकेत भी दिख रहे हैं। शनि महाराज छठे भाव में मौजूद हैं, उनकी दृष्टि आठवें भाव बृहस्पति पर पड़ रही है, जिसके कारण परिवार में गलतफहमियां पैदा हो सकती है, पैसों को लेकर या फिर परिवार में मतभेदों के कारण गलतफहमी होने की भी आशंकाएं दिख रही है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय। तो उपाय आप क्या करें जिससे यह अगस्त का महीना आपके लिए आनंददायी हो। तो कन्या राशि के जातकों को उपाय के तौर पर जो है प्रत्येक दिन आपको राहु के मंत्र का ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा राहवे नमा या ओम राहवे नमा का आपको जाप करना है। केतु महाराज का भी आपको जाप करना है और प्रतिदिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। तो
आपका अगस्त का जो यह महीना है वह आनंददायी व्यतीत होगा। तो आज का यह वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माँ भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।